गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मुसाफिर गर्ल ब्लॉग। और आप देख सकते हो कि वाइट वॉश हो गया है दो कमरों में, मतलब बिल्कुल हो गया है। बस ये वाली दीवार रह रही है, तो इस पे आज हमने खुद कारस्तानी करी है तीनों ने, और इस पे टेप लगा दी है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल वाइट करवा लिया था। बाकी सारी दीवार आप देख सकते हो पर्पल है, और इसको हमने व्हाइट करवा लिया था। हमने सोचा है अभी इस पे हम कलर करेंगे, अभी कलर नहीं सोचा कौन सा कलर होगा। बाकी अभी हमने पेपर टेप से इस पे बिल्कुल पूरा डिजाइन बना दिया है, और अब थोड़ी देर में भैया आने वाले हैं जो व्हाइट वॉश वाले हैं। अभी उनको पता भी नहीं है कि हमने ऐसा ऐसा कर भी दिया है ये, और अब वो आएंगे, जब देखते हैं वो क्या कहते हैं, और फिर वही कलर करेंगे क्योंकि कलर तो हमसे होगा नहीं ना, वो रोलर वोलर से होगी नहीं। बस हाँ यही कि हमने डिज़ाइन बना था तो डिज़ाइन बना दिया, ये सारी टेप सिद्धू ने लगाई है। मैं उसे बैठे बैठे बता रही थी अभी, और मैंने बताया बाकी सारी सिद्धू ने लगाई है, और ये थोड़ी सी नीचे की भी मैंने लगा दी। तो और जो मेरा रूम है वो आज स्टार्ट होगा व्हाइट वॉश होना, मैं अभी आपको उसका दिखा देती हूँ। और अलमीरा भी थोड़ी बन गई है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हीरा ये रूम के वाले सारे कलर्स चेंज होएंगे, बिल्कुल रूम खाली कर दिया है। और ये अलमीरा है, ये पूरा स्ट्रक्चर अलमीरा का ऐसा बना है। अब इसके डोर नहीं लगे, ड्रॉर नहीं लगे, ये दोनों डोर नहीं लगे, वो आज लगेगा। और इसके साइड में सनमाइका भी नहीं लगी है अभी कहीं पे भी, तो वो आज सब लगेगी, मैं पसंद कर आई हूँ। और ये दोनों शीशे हटवाऊंगी मैं अभी, और बस टेबल अभी लगानी है। बाकी बहुत गंदा हो रहा है रूम, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है सारी चीज़ें। तो और आज मैं जाने वाली हूँ थोड़ा मार्केट, ये क्योंकि वाइट वॉश तो होता रहेगा अब भी यहीं पर ही है, और मैं भी सिद्धू मेरे साथ जाएगा। तो आज मैं भागीरथ मार्केट है कोई चांदनी चौक में, वहाँ जाने वाली हूँ। मुझे वहाँ पे दो तीन चीज़ें लेनी है, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ ले भी लेती हूँ, इतने वाइट वॉश होता रहेगा और वाला रूम फिर रेडी करना स्टार्ट कर दूँगी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, अभी भी सिद्धू ने एक चीज़ मंगाई है, ये लाइट मंगाई है, 28 रुपीज़ की है ये, मेरे को यकीन नहीं हो रहा बट हाँ है 28 रुपीज़ की। और ये जलती है, मैं भी पता नहीं कैसे कैसे जलती है भैया। अच्छा ये वो वाला, ये पेपर है कुछ, ये हटाना पड़ेगा, ये मैंने हटा दिया, और ये मैंने ऑन कर दी, जल गई। तो ऐसे कुछ ही जल रही है, अच्छी लग रही है, ये मैं भी लगा सकती हूँ, देखेंगे ये सब बाद में मंगाएंगे। वो सिद्धू ये सारी जो लाइट्स मंगाई है ये थ्रेड आर्ट में, अभी ये सिद्धू ना 8 थ्रेड आर्ट बनाने स्टार्ट करा है, इसने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, तो फिर इसने 2-3 बनाया है। तो इसने अपना शायद में भी इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और उस पर 2-3 थ्रेड आर्ट डाल रखे हैं, अगर आपको वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो। मैं बहुत सुंदर लगते हैं वो, मैं भी बनवाने की सोच रही हूँ एक मुसाफिर का, बट देखते हैं वो सब बाद में बनवाएंगे। और आज सबसे बड़ा दुख हुआ मेरा नेल्स टूट गया है, मैंने सोचा था ये चल जाएंगे अभी, मतलब ये महीना पूरा चल जाएगा, बट नहीं चल पाया। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा नहाने के बाद। फाइनली भैया आ गए हैं, उन्होंने अपनी सामने वाली एक दीवार रह गई थी उस पर उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, हो गया अब वो वही वाली दीवार कर रहे हैं जो कि मतलब हमने रेडी करी है, हो गया स्टार्ट। और अभी से देखो आप कितना प्यारा कलर आया है, क्योंकि ये देखो पिंक और ये पर्पल, और अब देखते हैं कैसा आएगा एकदम, मतलब एक्साइटमेंट लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है। होने वाली दीवार हो सकता है ये जब तक हो, जब तक मतलब मैं बाहर मार्केट जाऊँगी, और जब आएंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको ये वाली। मैं रेडी हो गई हूँ, तो फिर चलते हैं हम भगीरथ मार्केट जो कि चांदनी चौक पे है, मेट्रो से चलते हैं आराम से। और क्या कहते हैं ऑटो, ऑटो से इसलिए नहीं जा रही हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम मिल जाएगा, जाम में फंसना, गर्मी वैसी हो रही है और जाम में मुझे फंसना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलते हैं और मेट्रो से चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या हमें मिलता है हमारे रूम के लिए, तो फटाफट से चलते हैं। टोकन ले लिया है, मैंने ले लिया है गलती से उसका चांदनी चौक का, मगर मुझे जाना है लाल किले वाले पे, लाल किले के बिल्कुल सामने है मुझे जैसा कि सिद्धू ने बताया। तो अब मैंने चार्ट में देखा, मगर वहाँ के भी 20 हैं, यहाँ के भी 20 हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से जा सकते हैं। गेट से मैंने एग्जिट करा है तो सीधा मैं रेड फोर्ट के सामने आ गई हूँ, और जाली लगा दिया पूरे में, सही कर दिया बड़ा, देखो SBI बैंक ये रहा, और ये रही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो हमें इसी में ही जाना है, इसी में मिलेगी हमारी पसंद वाली चीज़ें। बहुत सुंदर मार्केट है, उसमें चच्चा वाले
सारी हैंगिंग है ना, तो कंफ्यूज हो रही हूँ। देखते कौन सा फाइनल करूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी नहीं, रूम रेडी होने के बाद। ले लिया है एक लैम्प, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं का जगह। बल्ब अलग से लेने पड़े हैं मुझे, क्योंकि बल्ब किसी भी यहाँ पे किसी भी लैम्प के साथ बल्ब नहीं मिल रहे हैं, बल्ब अलग से ही लेने पड़ेंगे। और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने ले लिया है, बल्ब भी ले लिया है। अमर बल्ब के प्राइस उन्होंने कम नहीं करे, 70 रुपीज़ के ही दिए, बट मैंने अपने लैम्प के लिए जो थे अलग से ले लिए हैं। और जो घर में हैंगिंग लैम्प लगे हुए बाहर उसके लिए तो जो था वही वाला ले लिया है। तो अब चलते हैं फटाफट से घर और अपना काम देखते हैं, घर पे कितना हुआ होगा वाइट वॉश। तो मैं घुसते ही मज़ा सा आ गया ये वाली सामने वाली वॉल देख के, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। वही मज़ा सा आ गया इस वाली वॉल को देख के, तो मुझे सच में बहुत मस्त लग रही है। लेती हूँ मैं फटाफट से चेंज, और चेंज करने के बाद आपसे मिलती हूँ। चेंज करने के बाद मैं हो गई थी बेदी, क्योंकि घर में काम फैला हुआ है तो वही काम करने में लग गए थे। और अभी उस वाले रूम में वाइट वॉश कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि वो रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, बहुत ज़्यादा दीवारें ऐसी काली काली हो रही थी। तो इस वजह से अभी बस भैया वो पूरे सारी मतलब चार दीवारों पे वाइट वाइट कलर का करके गए हैं, वाइट वाइट करके गए हैं, और ऊपर मतलब कोम में भी वाइट करके गए हैं। तो मैं भी वो कल आएँ, मगर वो कल कह रहे हैं मैं छुट्टी करूँगा, तो देखते हैं क्या होता है कल। मम्मी ने बोला है वैसे उन्हें आने को कि आप आना और चाहे उसके बाद छुट्टी ले लेना, क्योंकि एक बारी मेरा वो वाला कमरा रेडी हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी मुझे। और टेबल भी मेरा रेडी हो गया, बट मैं टेबल आपको दिखाऊंगी कल, क्योंकि नीचे ताऊ के घर में बन रहा है जैसा मैंने आपको बताया था, तो अब मैं नीचे नहीं जा सकती, बाद में चलेंगे अब। और इसी के साथ अपना करते हैं ब्लॉग एंड। और ये दीवार कितनी मस्त लग रही है ना अब तो ब्लॉग में, अब तो आपको बहुत बार यही देखने को मिलेगी कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये दीवार अभी तक अपने मतलब पूरे मतलब वाइट वॉश की सबसे पहली वॉल ये वाली लगी है। बाकी अभी मेरे रूम की देखते हैं किस तरीके से करती हूँ। अभी मैंने अपने रूम के लिए कोई डिज़ाइन नहीं सोचा है, बस कलर डिसाइड करे अपने, और वो कलर आपको जब भी दिखाऊंगी। लैंप मैं आज अपने हैंगिंग लैंप मैं ले आई हूँ वो भी दिखाऊंगी, बट मैं जो अपना लैंप लेकर आई थी बंजारा मार्केट से, वो मेरे लैंप का बल्ब मैं नहीं लेकर आ पाई, बट कोशिश करूँगी अब तो यहीं से मंगा लूँगी, बार बार इतनी दूर नहीं जाऊँगी। और अभी थोड़े दिन में मैं जाऊँगी बंजारा मार्केट फिर से, मैं उसका व्लॉग डालूँगी। अब मैं पिछला व्लॉग बंजारा मार्केट का इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उस व्लॉग में दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस है, और उसमें कम्प्लीट आपको ना मतलब पूरी गाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इस वजह से मैं वो वाला व्लॉग नहीं डालूंगी। बट आप जैसे अगर कल या परसों में या दो तीन दिन में मैं जब भी बंजारा मार्केट जाऊंगी, मैं आपको पूरा व्लॉग वहां का दिखाऊंगी, बनाऊंगी और पूरी गाइड करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग आराम से बंजारा मार्केट जा सकूं। तो इसी के साथ करते हैं अपना व्लॉग एंड, और बाय। सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक का बटन भी प्रेस करते हुए जाना, बाय।